गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऑफिस जाकर वापस भी आ गया, वीडियो अपलोड भी कर दिया है, जो कि आपको आपने जो कल देखा वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आज कर दिया उसको अपलोड। और आज घर पर बना रहे हैं मेरे फेवरेट परौंठे, जो मैं डेली खाता हूँ। वैसे परौंठे खाना बहुत जरूरी रहता है मेरे लिए। तो अभी बन रहे हैं आलू के परांठे विद गोभी का मिक्सचर, और मम्मी की ग्रह ग्रह शुरू होगी। और यहाँ पर बन रही है फिलहाल चाय। हाँ, दवाई भी आई है भैया, दवाइयाँ बड़े दिन से स्पीड पोस्ट। अच्छा, अपने अलमारी में बड़े दिन से स्पीड पोस्ट कराई थी, 20 तारीख को कराई थी, आज पहुंची है 24 को। बताओ कितने दिन लग गए इनको आने में। तो अभी इन दवाइयों को मैं रख लेता हूँ अपने सीक्रेट अलमारी में, सीक्रेट। तो अभी बैठ गए हैं खाने, और ब्रंच ही हो रहा है हमारा। वैसे 11:30 हो चुके हैं, तो अभी लंच ब्रंच इकट्ठा ही कर लेते हैं। लंच और ये ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठे हो रहे हैं अभी। तो अभी हम बना रहे हैं एक स्पेशली चाट नमकीन वाली, इसमें चने हैं बस, आप कोई भी नमकीन ले सकते हो। ये मेरा स्नैक्स टाइम हो चुका है, अभी 4 बज चुके हैं। तो अभी हम प्याज को डालेंगे इसके अंदर, आप टमाटर भी चॉप कर लेना ऐसे ही। तो हमारी चने वाली ये नमकीन वाली चाट बनने वाली है अभी। स्पेशल चटनी, ये रही मेरी स्पेशल चटनी, इसको डालूंगा मैं। ये बनाई है आपने, इमली लेनी है, इमली को हल्के गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख देना। उसके बाद वो इमली छान लेनी है, उसका एक ऐसे गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, उसको बालना है आपने। उसमें गुड़ डालना है, गुड़ अपने गुड़ डाल के उसको अच्छी तरह पकाना, और जीरा और सौंफ को रोस्ट करना है तवे पर, और उसको थोड़ा पीसना है और उसको इसमें डाल देना है, और ये आपकी टैंगी चटनी तैयार हो जाएगी। इसकी रेसिपी मैंने आपको आज ही बता दी। बस तो आपने इसके 1 से 2 चम्मच डाल लेना, और आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में पुदीने की चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं फिलहाल ये डालूंगा क्योंकि मुझे ये पसंद है। और नींबू, अभी नींबू नहीं है, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट, वाइल्ड सॉल्ट डालने के बाद इसमें हल्की सी मिर्च, मिर्च डाल रहे हैं हल्की सी बिल्कुल ही। बस इसको आपने मिक्स कर देना है। आप इसमें मेयोनीज और दही भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, और नींबू डाली तो और अच्छा टेस्ट आएगा। और आप मिर्चें भी डाल सकते हैं, अगर आपने मिर्चें खानी है तो मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी तैयार होगी, और हमारी ये स्नैक्स टाइम डन। पहले ही बहुत डरती थी, आज ये हमारी फ्रेंड बन गई जल्दी। आ बहुत डरती थी, आज तेरी चिज्जी लेके आए, आज हम चिज्जी खिलाएंगे तेरे को। थोड़ी लाए पर लाए जरूर है। ले भैया तू चिज्जी खा, अभी पता नहीं खाती होगी कि छोटी है ऐसे ये। नहीं खा रही यार, क्या बात है, खा ले। शायद मैंने कम छोटा करा है, खज्जल होगी, यही करना क्या है। अरे डर मत इधर, अरे नहीं मार रहा भाई, मैं नहीं मारता हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ यार, मैं नहीं मारता हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ। ये देखो ऐसे प्यार करती है ये, जब पहले डरती थी मुझसे बड़ी ज़्यादा। खा, ये शायद छोटी तब नहीं खा रही होगी, मुझे लग रहा खा भी नहीं रही है ये शायद खाती नहीं होगी, तेरे लिए कुछ और ले आएंगे कल। घास तो खाती होगी, चल किसी और को पार्टी आज, फिर तेरी मम्मी को पार्टी आज।
डर रही आज तो। ये उस गाय की, छोटी गाय की मदर है, मतलब उसकी मम्मी। ये तो यहाँ पर घास खा रही है। आज हमने नहीं बनाया कुछ ज्यादा हैवी सेवी, बस बहुत है बहुत है बहुत है। आज हमने बनाई है चने की दाल की खिचड़ी। अरे ज्यादा मत डालो भाई साहब। ये बनाई आज हमने चने की दाल की खिचड़ी। कभी कभी बीच में हल्का भी खा लेना चाहिए भाई साहब, हल्का खाना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी चल रहा है अंदर टीवी, टीवी चल रहा है। तो साइनिंग ऑफ करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।